Welcome all of you on this class. This is Eclava International and we have started the class 5th social studies classes today, SST classes. Okay, and this classes start by me. This one I am the SST teacher of your class. Okay, you are the few one new for me and I am also new for you. Okay, हम एक दूसरे के लिए नए हैं. इंट्रैक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड इन माई क्लास आई एम ऑलवेज अडेयर विद द इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स. ओके, तो बच्चों आप बिल्कुल डरे नहीं, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसी आपकी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं. यहाँ इवन आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है. कैसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप बार बार अपनी क्लासेस को रिमाइंड कर सकते हैं. मे बी अगर ऑफलाइन होती है तो हम एक बार क्लास में देते हैं, फिर आप अपनी क्वेरीज पूछते हैं और हम उसको जज करते हैं. ओके, बट यहाँ क्या है, हम बात करते रहेंगे. आपकी अगर कोई भी क्वेरी है, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, यू जस्ट कॉल मी ऑन दिस नंबर. मैम आई हैव दिस प्रॉब्लम, दिस चैप्टर, एंड प्लीज़ गिव मी अ क्लैरिफिकेशन ऑफ इट. ओके, सो वेन एवर आई वॉन्ट कि यहाँ पे जितना ज़्यादा क्लियर हो सके आई वॉन्ट टू गिव यू, एंड आफ्टर दैट यू जस्ट कॉल मी एंड देट गिव दैट टेक दैट क्लैरिफिकेशन. ओके, सो जस्ट राइट दिस नंबर एंड रिमेंबर दैट 9582825408. This is my number. Okay, you just call me, ma'am. I am from this school, and just please tell me the clarification of this query. Okay, so let's start our chapter from here. Chapter number 3, because the previous ma'am has done their first and second chapter of geography. We start this one. This is also a part of geography because of the standard of 5th class. There is no one. A standard of a partition of the SST. Okay, so this is a varied varied climate. Varied climate, what the meaning of that? Whenever we meet someone, whenever we talk someone, we just identify their name firstly, है ना. हम जब भी किसी से मिलते हैं हम क्या करते हैं, हम किसी ना किसी का पहले जो भी हमसे मिल रहा है फर्स्ट टाइम हम उसका नाम पूछते हैं, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू जज इट, है ना, वी हैव टू इंटरेक्ट विद इट. तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर का नेम देखेंगे. दिस इज अ चैप्टर नंबर 3. ओके, आई थिंक दीज थिंग्स आर क्लियर ऑलरेडी. सो रिमूव दिस वन फर्स्टली बिकॉज दिस डन देयर वर्क. Now we come to the varied climate. Varied means varied word. Exactly, this varied word is came from the variety. Variety. What the meaning of variety? Different kind of things, है ना. Variety means a thing which one have different kinds, है ना. अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें हैं उनको हम बोलते हैं. Variety समझ में आ गया. Now we come to the climate. Climate क्या होता है? क्लाइमेट वो चीज़ है जहाँ एक मौसम, एक जो एरिया है वहाँ पर्टिकुलर जो वेदर है वो अप्रोक्स 10 to 30 ईयर्स तक एवरेजली वही वहाँ पर वेदर रहता है. तो कैसे ये रहता है अभी हम समझते हैं, आगे पढ़ते हैं और अपनी इस जो वेराइड क्लाइमेट है इसको क्लियर करते चलते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि वेराइटी हैज डन. Okay, varied climate has done. Now we start from the weather. सबसे पहले basic start करेंगे, and the basic word is in this chapter is weather. I'm writing a little bit big words because you have to see this clearly. And one more thing, in my class it is compulsory. Whenever you take my class online or other than offline, you just take one pencil or copy with you. And which thing I'm mentioned here, you just write all these things with your notebook, okay? Because you remind that thing and just learn and recall many times, okay? So let's start weather. In Hindi, we call it as a mausam, and climate also we call it mausam. So what is difference between it? Nothing. No, it is. Climate is a long term period, okay? And the weather is a short term.
रिमेंबर इन वन वर्ड यू कैन लर्न इट वेदर हैज शॉर्ट ओके लिटिल छोटा भाई शॉर्ट एंड द क्लाइमेट इज कैन वी से एल्डर और कैन वी से लॉन्ग ओके क्लाइमेट कैसा है बड़ा भाई है लंबा है एंड द वेदर इज कैसा है शॉर्ट है छोटा है रिमेंबर दिस थिंग आई होप दिस इज रिमेंबर ऑलवेज ओके सो वेदर मीन्स शॉर्ट क्लाइमेट मीन्स लॉन्ग ओके हाउ इट इज डिफाइंड दैट इट इज शॉर्ट इट इज लॉन्ग इन वेदर टाइमिंग वी हैव डिवाइडेड दिस वन इज मिनट टू मिनट वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट वेदर ओके इन वेदर वी हैव टॉक अबाउट द डे बाई डे और डे टू डे ओके आई थिंक इट इज क्रैमिंग हियर ना आई एम क्लियर इट एंड देन अगेन राइट हियर फर्स्टली वी क्लैरिफाई द वेदर वॉट इज वेदर वेदर हैज चेंज अ वेदर है सो इट इज चेंज नियरली नियरली एवरी डे इट इज चेंज नियरली एवरी डे एंड इन अ मिनट टू मिनट ऑल्सो लाइक एग्जाम्पल इज मिनट टू मिनट ओके नाउ आवर टू आवर नाउ डे टू डे एंड नेक्स्ट इज सीजन टू सीजन ओके सो व्हाट इज द मीन ऑफ वेदर वेदर इज चेंज नियरली एवरी डे और कैन बी से मिनट टू मिनट आवर टू आवर डे टू डे एंड सीजन टू सीजन ओके रिमेंबर वेदर इज शॉर्ट टाइमिंग हाफ एंड द चेंज रैपिडली एवरी टाइम इट कैन बी मिनट इट कैन बी आवर इट कैन बी डे और इट कैन बी सीजन आई थिंक इट इज क्लियर वेदर इज चेंजिंग नियर बाई एवरी डे फॉर वट इज द कॉज वट इज द कॉज टू चेंज द वेदर क्या रीजन होता है कि वेदर चेंज होता है वेदर मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूँ वेदर चेंज एवरी डे वेदर हम किसको कहते हैं उस मौसम को कहते हैं जो रोज़ रोज़ चेंज होता है इट कैन बी मिनट में भी चेंज हो सकता है आवर में भी चेंज हो सकता है डे बाई डे भी चेंज हो सकता है एंड सीजन बाई सीजन भी चेंज होता है एंड सीजन बाई सीजन इज अ बेस्ट ऑप्शन टू लर्न इट जस्ट बिकॉज ऑफ कैसे लर्न कर रहे हैं हम सीजन को कि जो समर सीज़न है हमारा है ना उसमें कैसे है गर्मी है बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है हॉटनेस है एंड देन द जब हमारा मानसून आता है तो कैसा हो जाता है ह्यूमिड हो जाता है वेट हो जाता है जो हमारा एरिया है या जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा वेटिंग सा हो जाता है एंड द विंटर टाइम में वी फील द कोल्ड ऑलवेज है ना ठंड को महसूस करते हैं हम हमेशा तो वेदर इज ऐसा मौसम जो बार बार चेंज होता है एवरी डे चेंज होता है मिनट आवर डे और सीजन इट कैन बी डिवाइड इन दीज ऑल थिंग्स नाउ वी कम टू द कॉज रीजन क्या है कि हमारा वेदर चेंज होता है इतनी जल्दी जल्दी ये तो नाम हो गया वेदर और इतनी जल्दी जल्दी चेंज होता है उसका कारण क्या है उसका रीजन क्या है कॉज क्या है द रीजन ऑफ दैट द कॉज ऑफ दैट टेम्परेचर क्या रीज़न है फर्स्ट टेम्परेचर है ना जैसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा हीट रहता है टेम्परेचर हाई रहता है तो हम कैसा फील करते हैं हॉट फील करते हैं वही टेम्परेचर मानसून में कैसा हो जाता है रेनी सीजन की वजह से या रेन की वजह से थोड़ा सा मॉडरेशन हो जाता है वेटी हो जाता है हमें स्वेटिंग होती है दीज ऑल थिंग्स आर है ना सो टेम्परेचर एक बहुत बड़ा रीज़न है कॉज है वेदर चेंजिंग का ऑलवेज रिमेंबर वेदर इज शॉर्ट वेदर कैन चेंज एवरी मिनट आवर डे एंड सीजन एंड इट्स कॉज इसके चेंज होने का कॉज क्या है द टेम्परेचर एंड द नेक्स्ट इज अ ह्यूमिडिटी मीन्स वॉट ह्यूमिडिटी इज अ वाटर वेपर प्रेजेंस इन एयर
अभी हम सब ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. यू डोंट वरी कि मैम अभी नहीं आ रहा है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है वेदर को. डोंट वरी, अभी आप सिर्फ जितना समझा रही हूँ उतना समझिए एंड देन वी हैव टू गेट ऑल दीज थिंग्स क्लियर वर्ड टू वर्ड. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, सो इट इज चेंज नियरली एवरी डे. कॉज इज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज चेंज बाय दीज ऑल थिंग्स. आई होप दिस वेदर इज क्लियर. Now we come to the next is, which one is climate. Okay, a little bit similar to weather, but not, it is little bit, we cannot similar as well, but it is from the weather. I'll show you climate. Climate means, I'm told you that it is also called mausam in Hindi. But it is not a similar thing. Climate, I'm writing here actually. Weather and climate both are not similar. Both are not similar. Weather and climate. This is called me as a mausam in Hindi, but this both are thing is not similar. They are preferably differ to each other. Okay, ये पूरी तरीके से different है एक दूसरे से. Now we come to the climate. What is it? Climate is a, it is a average, sorry, an average, sorry, an average of weather. It is an average of weather of a place. Of a place, किसी जगह का. Place means क्या होता है? किसी जगह का weather. I already defined you कि weather है क्या. So weather किसी place का average है. किस चीज़ का average है? Weather of a place. It is an average of a weather of a place of 10 to 30 years duration. Okay. ये 10 से 30 साल तक, 10 टू 30 इयर्स तक साइंटिस्ट यहाँ के हर दिन का, कोई भी जस्ट सपोज इंडिया को ले लेते हैं, ठीक है, हमारा इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया है, देन देयर इज अ गुजरात, देयर इज जम्मू कश्मीर एंड दीज ऑल थिंग्स. ओके, सो इट्स रफली टू मच गेटिंग बोर्ड ना. सो देयर इज दीज ऑल थिंग्स. ओके, सो इंडिया, just we talk about the climate of India, weather not. Okay, climate of whole country, with full country, this is a moderate climate. Which kind of climate? India has moderate, okay, dry, moderate climate of India. Why we called it ki India ke paas moderate climate hai. क्यों बोलते हैं हम ऐसा? बिकॉज इंडिया ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है, आप कहीं भी इसका टेम्परेचर ले लो, है ना, ना बहुत ज़्यादा ठंडा ही है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है पूरे. हाँ, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, अ लिटिल बिट एरियाज ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया दैट हैव अ कोल्ड. ओके, आफ्टर दैट देयर इज अ पेनिनसुलर इंडिया, दे हैव द मॉडरेट टेम्परेचर ऑलवेज, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये कोस्टल एरिया है. देयर इज अरेबियन सी, देयर इज बे ऑफ बंगाल एंड देयर इज इंडियन ओशन. सो यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी की तरह बता रही हूँ. साइंटिस्ट क्या करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, उनकी स्टडी करते हैं हर दिन का वेदर. आई टोल्ड यू ना, डे बाई डे, आवर बाई आवर और सीजन बाई सीजन. तो जब तक वो पूरे 10 टू 30 ईयर का एक एवरेज निकालते हैं, है ना, कि एक साल में यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ी, नेक्स्ट ईयर यहाँ इतनी बारिश हुई, अच्छा इस साल यहाँ पे इतनी ठंडी पड़ी, इस तरीके से वो पूरा 10 टू 30 ईयर का एक एवरेज निकालते हैं और फिर वो डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे कैसा टेम्परेचर ज़्यादा रहा. तो जिसका एवरेज ज़्यादा होता है वो वहाँ पे उस टेम्परेचर को बोलते हैं कि ये यहाँ का क्लाइमेट है, ठीक है. जैसे अगर हम बात करें लेह कश्मीर की, ठीक है, एक बहुत इजी सा लेते हैं, लेह लद्दाख कश्मीर की, वहाँ हमेशा ठंड रहती है ना. कैसे रहती है? क्योंकि हमेशा वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो
डिक्रीज में रहता है ना, वो हमेशा नियर अबाउट ठंड, जो कोल्डनेस हमारा जो टेम्परेचर है उसका रहता है। अब ठंड है वहाँ पे, तो वहाँ का क्लाइमेट थ्रू आउट 10 to 30 ईयर, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग आई टोल्ड यू ना, कि क्लाइमेट इज़ अ लॉन्ग, है ना, क्लाइमेट इज़ अ लॉन्ग वेदर टर्म। तो 10 to 30 ईयर से 10 से 30 साल तक का जो एवरेज है एक किसी पर्टिकुलर प्लेस का, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो, प्लेस 10 to 30 ईयर ऑफ ड्यूरेशन एंड एवरेज। क्लियर? सो वेदर, वॉट इज द वेदर? वेदर इज कि जो भी मौसम डे बाय डे चेंज होता है, लाइक वी टेलिंग ना कि यार आज बहुत गर्मी है, इट मीन्स कि अब आज गर्मी है, मे बी शायद कल ना हो, है ना, या इट रेन यस्टरडे, कल तो बारिश हुई थी, तो कल कैसा हो गया, रेनी वेदर हो गया। दैट्स वाई वी ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग कि आपके जो मोबाइल में या जब हम न्यूज़ देखते हैं तो उसमें हमेशा वेदर फॉरकास्टिंग बोलता है, क्या बोलता है, कभी भी क्लाइमेट फॉरकास्टिंग नहीं बोलता है, हमेशा क्या बोलते हैं, वेदर फॉरकास्टिंग, वेदर फॉरकास्टिंग। वेदर हमें पता चल गया, फॉरकास्टिंग मीन्स आने वाला टाइम, क्या होने वाला है उसमें। ओके, सो वेदर में क्या चेंजमेंट होने वाले हैं, ये हमें वेदर फॉरकास्टिंग से पता चलता है। और आप न्यूज़पेपर में देख लो, आप कहीं भी देख लो ऐसे, वहाँ पे वो एग्जैक्टली आपको बताएगा कि वेदर में क्या चेंजमेंट होने वाले हैं। सो आई होप दिस इज़ क्लियर ऑल्सो। अभी मैं आपको लास्ट में, और जो आपके PDF मिलेगा आपको, उसमें भी मैं आपके इनको क्लियर करूँगी एज अ डेफिनेशन, कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए वन टाइम। सो क्लाइमेट डिफाइन, वेदर डिफाइन, एक बार फिर से समझते हैं वेदर को, बिकॉज आई होप कि बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि मैम वेदर और क्लाइमेट में ना लिटिल बिट कन्फ्यूज। डोंट वरी, आई एम हेयर, सो डोंट फियर एनीवेयर। तो फिर से देखते हैं वेदर क्या होता है। जस्ट सपोज यू वेक अप एट मॉर्निंग, आप सुबह जगते हैं, क्या होता है, सुबह ठंड रहती है, हल्की हल्की ब्रीज चल रही होती है ना, अच्छा सा फीलिंग आ रहा होता है, ठंडा सा, आप वॉक पे निकल सकते हो मॉर्निंग वॉक पे। देन जैसे ही आफ्टरनून होता है ना, क्या होगा, हॉटनेस हो जाती है ना, हम एक एटमॉस्फेयर है हमारा वो गर्म हो जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, गर्मी हो गई, एंड फिर से जब शाम होती है देन फिर से टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। इट मीन्स वॉट, इट मीन्स कि जो सन का टेम्परेचर है क्या वो कम और ज़्यादा हो रहा है? नो, इट इज़ नॉट अ फ्लैश लाइट कि वो कम होगा ज़्यादा होगा, कम नहीं, जो सन है वो हमेशा एक जैसा है, आपके यहाँ दिन हो रात हो, हम ये सब पढ़ चुके हैं अपनी लास्ट क्लासेस में, पढ़ा है ना। तो ये उसका कोई भी रोल नहीं है सन का, सन एक जैसी ही हीट हमेशा देता है, लेकिन हमारा अर्थ जब रोटेट हो रहा है, दैट दिस इज़ अ अर्थ और ये इसकी एक्सिस है, ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना हमारा अर्थ, तो ये रोटेट कर रहा है, एंड आफ्टर दैट ये चक्कर भी लगा रहा है सन के, रेवोलेट भी कर रहा है, जिसकी वजह से वेदर एंड क्लाइमेट चेंज होता है, जिसकी वजह से मॉर्निंग में और आफ्टरनून में हमें टेम्परेचर डिफरेंट मिलता है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कि कुछ पार्ट्स उठा लेते हैं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ, तो कुछ पार्ट उठा लेते हैं हमारे वर्ल्ड मैप पे, ठीक है। सबसे पहले उठाते हैं अफ्रीका, बिकॉज इट्स लिटिल बिट ईजी टू ड्रॉ फॉर मी, कि ईजी हो जाता है अदरवाइज, हाउ वी आई ना ड्रॉ दिस ईयर। जस्ट सपोज दिस इज साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, द साउथ अफ्रीका इज हियर, ओके, एंड देयर इज अ DRC, it is a country of South Africa, or Africa country, है ना, Africa की country है, Africa is a continent, Africa की country है DRC, okay, DRC means Democratic Republic Congo, okay, Congo याद रखिए, DR तो आपको याद रहेगा, Democratic Republic, so this is Congo, it is a country of सेंट्रल अफ्रीका, बीच में है ना, बिल्कुल ये देखो आप, बिल्कुल बीच में है, ये एक कंट्री है, यहाँ का टेम्परेचर क्लाइमेट, वी टॉक अबाउट द क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड वेट, हॉट एंड वेट, रिमेंबर इट इज अ कंट्री, द नेम ऑफ दिस कॉन्गो, इन विच कॉन्टिनेंट, अफ्रीका,
what is the climate of this country? Hot and wet. Clear? अब hot and wet क्यों है ये भी थोड़ा सा clear करते हैं. आपने पढ़ा होगा अपने map में कि equator, है ना, पढ़ा है ना, equator अफ्रीका के बीच से होके जाता है और ये जब यहाँ से पास करता है तो जो DRC कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, ये बिल्कुल इसी ड्यूरेशन जो इक्वेटर है उससे होके निकलता है. अब जब उससे होके निकल रहा है तो हमें पता है हमारा जब सब पूरे अर्थ पे सबसे हॉटेस्ट एरिया कौन सा है, वो है इक्वेटर का. ओके, चलिए अब इसके साथ ही पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कंट्री के बारे में. जस्ट सपोज कि ये हमारा अफ्रीका है ना, और यहाँ पे DRC है, ये हॉट एंड वेट हो गया इसका क्लाइमेट. फिर यहाँ पे एशिया आ गया, यहाँ पे एशिया आ गया और ये इंडिया आ गया यहाँ पे. ठीक है, एशिया एंड अफ्रीका, दिस इज एशिया, एशिया एंड अफ्रीका, द बिटवीन दैट देयर इज अ सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया इट इज ऑल्सो अ कंट्री, यू ऑलवेज लिसन दैट दिस वन, है ना, सुनते होंगे बार बार सऊदी अरेबिया, अरेबिक पर्सन आर देयर, वहाँ पे अभी भी मोनार्की सिस्टम है, वो वाइट पूरा ऐसा गाउन पहनते हैं, ऊपर से वाइट कैप लगाते हैं, है ना, सुना होगा. तो सऊदी अरेबिया ये कंट्री कैसी है, इसका क्लाइमेट, इसका क्लाइमेट है हॉट एंड ड्राई, बिकॉज बिकॉज इट इज ऑल्सो अ नियर अबाउट इक्वेटर. सॉरी, देयर इज नॉट एन इक्वेटर, देयर इज इक्वेटर. इक्वेटर के पास के जितने भी एरिया होंगे वो सब हॉट एंड ड्राई होंगे, और जितना ही हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाते हैं उतना ही हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है और हमारे जो क्लाइमेट है वो कोल्ड होता जाता है. तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए अब हम सबसे पहले समझेंगे द जोन. व्हाट इज़ द जोन? हीट जोन. अब ये हीट जोन क्या है? हीट जोन, आई जस्ट टेल यू, हीट जोन, हीट जोन, व्हाट इज दिस? यस, आई विल टेल यू. जस्ट सपोज दिस इज अर्थ, दिस इज नॉट लुक एज अर्थ बट जस्ट सपोज इट इट इज अर्थ. ओके, अर्थ इज हैज अ स्फीयर शेप, स्फीयर शेप में हमारी अर्थ है, जस्ट डिवाइडेड टू पार्ट्स बाय द इमेजिनरी लाइन. एक इमेजिनरी लाइन से हम इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. द अपर इज कॉल्ड एज अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द डाउनवर्ड इज कॉल्ड एज अ साउदर्न हेमिस्फीयर. क्लियर दिस थिंग? ओके, नाउ वी डिवाइड इट एज अ हीट जोन. वी जस्ट ड्रॉ सम दिस अ लिटिल बिट डिफाइन दिस. What is this? This is a ball. You just remember, this is a ball. There is have a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Six parts of a ball. Okay. So, firstly we talk about the this line. This is called as a equator. I hope all of you keep your book, notebook and pencil with you and draw this thing and just memorize this one, because this is the most important thing. Heat zone in this class, in 6th class, in 7th class, whatever. The next is a, there is Tropic of Cancer. This is also a latitude. These all are latitude, okay? The next is a Arctic Circle. This is also a latitude. And this point is a North Pole and this point is a South Pole. These all things remember, draw many times in your notebook and just remind it. Okay? So, the next is, this is Tropic of Cancer and this is a Tropic of Capricorn. Okay? You just writing, see from here clearly, Tropic. But upper side Cancer and the downward is a Capricorn. So, and the last is Antarctic Circle. Okay, Antarctic Circle. There is Arctic Circle, Antarctic Circle. Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. And the middle is line is a equator. हमने इसी latitude के according हमने जो zones हैं उनको भी divide किया है. Okay.
So there is zone are divided. This is a torrid zone. Okay, torrid zone. This is also torrid zone. Is anyone telling me why I am writing the torrid two times? Yes, smart. There is not torrid zone because it is a northern hemisphere. This is a south torrid zone because it is comes to the south hemisphere or the southern hemisphere. Clear? So there is a Tropic of Cancer between the area is called as a temperate zone. All are the zone, but there is called again temperate zone. So what we write here? Yes, correct. North and the south. Clear? Okay, again the torrid zone in between, torrid, temperate and temperate, and the last is too cold because the poles are here, and where is poles? There is too much cold, huh, na? Too much cold climate is there. So that's why there is a north pole and cold say with we have freeze. We just freeze, huh, na? So freeze means frigid, not frigid zone. There is south frigid zone. Clear this heat zone? So I hope these all things are clear to you. The weather is nearly change day by day, minute by minute, and these all climate is a long period of average of weather. It approx 10 to 30 years average. Okay, now heat zones, we come from the middle, near equator, torrid, temperate, frigid in a northern hemisphere, torrid, temperate, frigid in a southern hemisphere. So these all things are done. I hope clear this one, because whenever you just not clarify these things, we hum agar aage badhenge, so this is not a good for us, kyunki humko agar pichli cheeze samajh mein nahi aayengi, then we not again come to the next point. So inko aap revise kariye, then we meet in a next session. Okay, I hope all these things are clear. You just remember my number and just call me if you have any problem, any kind of query, and always sit in a next class with pen and a notebook. Thank you.